खबर संत कबीर नगर जनपद से है, जहां आईजीरेंज बस्ती आशुतोष कुमार को संत कबीर नगर जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी संत कबीर नगर का सख्त रवैया जनपद में दिखने को मिला। नोडल अधिकारी संत कबीर ने जनपद में पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सख्त निर्देश देने के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। जनपद संत कबीर नगर का नोडल अधिकारी बनाया गया। हम लोग दो दिवस में यहाँ रहकर यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ऐसा उसके बारे में क्या फीडबैक है, कोई ऐसा तो नहीं है जो गैर अनुमोदित हो गया हो या जिसकी कोई शिकायत हो, ऐसा कोई आदमी ना हो। इसके अलावा लॉकडाउन में जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, क्या उसमें सभी प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है कि नहीं, और लोग यहाँ मास्क पहन रहे कि नहीं, कुछ तमाम पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर हम लोग अपनी रिपोर्ट शासन को भेजनी है और इसको हमें 22 तारीख तक भेजना है। तो उसी के मद्देनज़र आज हमने DM साहब और SP साहब के साथ यहाँ कुछ कंटेनमेंट जोन देखे। वैसे तो साप्ताहिक बंदी का दिन है और लेकिन फिर भी जो भी लोग घूम रहे थे वो मास्क लगाए हुए थे और पालन कर रहे थे, पुलिस भी मुस्तैद मिली कई जगहों पे, सफाई सैनिटेशन के काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। इसी क्रम में आज शाम को भी और कल भी हम लोग पूरा दिन है और देख लेंगे जाके जो और पॉइंट दिए गए हैं। तो यही बेसिकली हमारा मकसद था। अपराधियों के खिलाफ क्या अभियान चलाया जा रहा है सर? टॉप 10 अपराधी हैं सारे थानों में, उनको चिन्हित किया गया है। ऐसे अपराधियों को चुना गया है जिनके अपराधी के इतिहास लंबे हैं और उनके द्वारा काफ़ी अवैध रूप से संपत्ति इकट्ठा की गई है। तो मेन हमारा फोकस ऐसे लोगों पर है और एक जनपदीय टॉप 10 की लिस्ट भी बनी है। अब इनके लोग जो भी संभव कार्रवाइयाँ होंगी वो तत्काल अमल में लाने के लिए सकते हैं।